ये इंस्टेंट चॉकलेट मोदक आज हम बिना किसी चॉकलेट और बिना चीनी के बनाएंगे, बिल्कुल हेल्दी वे में। 4 से 5 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना, बिना किसी मोल्ड के बनाएंगे और इसका फ्लेवर इतना अच्छा है कि आप गणपति भोग के बाद भी इसको एज ए डिजर्ट बनाना पसंद करेंगे। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी स्टफिंग हम तैयार करेंगे। स्टफिंग टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे ना तो आपके मोदक का जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट और थोड़ा सा मिल्क पाउडर और थोड़ी सी घर की मलाई ली है। ये फ्रेश मलाई मैंने यूज़ करी है। कोशिश कीजिए थिक वाली जो मलाई होती है ना, गाढ़ी गाढ़ी सी, वही निकाल करके इसमें डालें। और फ्रेश 2 या 3 से पुरानी मलाई जो है ना, वो मत यूज़ कीजिएगा। तो उसके बाद हम इसमें, मैं डाल रही हूँ मिश्री पाउडर। आप यहाँ पे नॉर्मल चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसे थोड़े हेल्दी वे में बनाएंगे इसलिए मैं यहाँ पे चीनी को स्किप करके मिश्री का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे जो जेगरी पाउडर होता है ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मलाई नहीं यूज़ करेंगे। आधे कप के लिए हमारे यहाँ पे 2 चम्मच मलाई सफिशिएंट होती है। धीरे धीरे जब आप इसको मिक्स करेंगे ना, तो ये मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट को बहुत अच्छी बाइंडिंग दे देती है। इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि हम बर्फी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना मावा, वैसा हो जाता है। और ये सिर्फ आप इस मोदक के लिए नहीं, बल्कि और भी कई तरह के डिज़र्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही लवली टेस्ट होता है इसका। तो बस स्टफिंग तैयार है, इसे हम साइड में रख देंगे। दूसरी तरफ मोदक की तैयारी कर लेते हैं। तो हम इसे हेल्दी वे में बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाइजेस्टिव बिस्किट का पाउडर लिया है। आप नॉर्मल बिस्किट भी ले सकते हैं अगर आप डाइजेस्टिव नहीं लेना चाहते हैं। और साथ में थोड़ा सा इसमें चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए मैंने कोको पाउडर और थोड़ा सा मिल्क पाउडर यूज़ किया है। और साथ में मिठास के लिए मैं यहाँ गुड़ का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि चीनी को हम बिल्कुल स्किप करेंगे। और साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच मलाई ऐड करूँगी। मैं फ्रेश मलाई है, आप यहाँ पे मिल्क मेड भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बिल्कुल हेल्दी वे में इसको बना रही हूँ, क्योंकि हम बिल्कुल चीनी अवॉइड कर रहे हैं, तो इसलिए हम मलाई यूज़ करेंगे, मिल्क मेड नहीं यूज़ करेंगे। आप चाहें तो यहाँ मिल्क मेड भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स, तो मलाई की वजह से इसमें भी बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, मलाई ज़्यादा नहीं यूज़ करें, एक हल्का सा बाइंडिंग के लिए ही हम मलाई यूज़ करेंगे। तो बस अच्छे से हमारा जो बेस है मोदक का, वो तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। तो डो तैयार है, इसे हम बिना सांचा या बिना किसी मोल्ड के बनाएंगे। तो हाथ में इस तरह से हम नींबू के साइज़ की एक बॉल ले लेंगे। आप चाहे तो बड़ी या छोटी भी ले सकते हैं, लेकिन एक नींबू का साइज़ जो है ना, वो एक एवरेज सा साइज़ रहता है, जो बहुत अच्छा लगता है। तो डो में मलाई की वजह से इसमें अपने आप ही एक बहुत अच्छी सी ग्रीस रहती है, एक चिकनाहट रहती है। आप देख सकते हैं शाइनी सी बॉल हमारी तैयार हो गई है। हमें हाथों को ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से बॉल बना करके उसे फ्लैट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें स्टफिंग ऐड करनी है। तो स्टफिंग हमने पहले से तैयार करके रखी थी, बस एक छोटी सी बॉल हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। आप चाहें तो ये सारे स्टेप आप मोल्ड में भी, आजकल मार्केट में मोदक के मोल्ड काफ़ी मिलते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से हाथों से भी इसकी बहुत अच्छी शेप आती है। एक तरीका आप फॉलो करेंगे, बहुत ईजीली बन जाते हैं, उतना ही बल्कि उससे मोल्ड से भी कम टाइम लगता है। तो इस तरह से हम इस तरह की शेप दे देंगे जैसे मोदक की रहती है। तो मोदक तैयार है, उस पर एक हल्की सी स्ट्रिप्स रहती है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक टूथपिक यूज़ कर रही हूँ। टूथपिक की हेल्प से हम इस तरह से शेप दे देंगे इसको। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है, नॉर्मल आप माचिस की तिल्ली से भी चारों तरफ इस तरह से इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अभी हमारा ब्यूटीफुल सा मोदक बनके तैयार है। इसी तरह से हम सारे मोदक भी तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसी तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर मिल्क पाउडर हल्का सा स्प्रिंकल किया है, जिससे इसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक बहुत मोटिवेट करता है एक नया वीडियो बनाने के लिए। और इस तरह की डेली और नए अच्छे सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बने हुई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बने हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो को देखना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल फ्री है। फूड रिलेटेड पिक्चर्स और ढेर सारे टिप्स और हैक्स के लिए और छोटे वीडियोस के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक और नई रेसिपी के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।